सब्सक्राइब कीजिए टैग टू एडवांस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले टैग वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑफ कोर्स विक्की और आप देख रहे हैं टैक टू एडवांस वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आप भी रेडमी नोट 5 के यूजर्स हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि आप सभी जानते हैं। रेडमी नोट 5 में आप सभी जानते हैं कि 2-3 हफ्ते से आप में कोई फिलहाल अपडेट नहीं आया हुआ है स्टेबल में। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं स्टेबल वर्जन में कौन सा अपडेट नेक्स्ट अपडेट आएगा और क्या क्या चेंज लॉग्स होंगे और आपने जो अभी तक चेंज लॉग्स में और फिक्स क्या किया जाएगा, तो दोस्तों तो रेडमी नोट 5 के यूजर्स हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बिना मत जाइएगा। इस चैनल पर आपके रेडमी नोट 5 से जितनी भी चीजें हैं हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वी व्यूअर्स को आप भी यूनिवर्स की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अगर आप भी इस तरह के अपने फैमिली मेंबर्स और किसी को भी इस तरह की विशिंग इसको करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाके आप लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे अपने फैमिली मेंबर्स जितने अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको एडवांस में जाकर हैप्पी यूनिवर्स की विशिंग दे सकते हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने आप बाकी अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों से आप सभी जानते हैं रेडमी नोट 5 के यूजर्स हो अगर तो आप लोगों को पता है 3-4 हफ्ते से कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल जो सबसे लास्ट अपडेट आया हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट अपडेट जो आया हुआ था आपका, उस अपडेट का जो नाम था आपका ये था MIU 10.0.4.0 का। इस अपडेट पर फिलहाल आप लोगों को अपडेट देखने को नहीं मिला। इस अपडेट पर आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि चेंज लॉग्स बहुत सारे नहीं थे, बहुत सारे सिस्टम में चेंज लॉग अगर करूँ इस बात में जो भी तो फिलहाल आए थे इस अपडेट पे उसमें था क्या रिस्टोर अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो आपको 5 नवंबर का 2018 का आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिला था। इस और साथ में दूसरा जो कि आया था इसी अपडेट के साथ ही साथ फोन में रिस्टोर द सेकंड सिम कार्ड क्लाउड नॉट बी ट्रैक्ड इन द इटली का जो भी होगा वहाँ का फंक्शन में था पर यहाँ पे इंडिया में लॉकडाउन फिक्स कर रहे थे। वहीं कैमरा में आपके पोर्ट्रेट मोड और वगैरह काफी चीजें अनसम जो थी वो सब भी आपको फिक्स कर गए इस वाले अपडेट पे मिली थी। फ्रंट कैमरा पे भी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम जो आ रही थी पोर्ट्रेट मोड वगैरह में वो आपको फ्रंट कैमरा फिक्स करके दे दी गई थी इस वाले अपडेट पे। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया था इसमें MIUI 10 का जो लास्ट वर्जन चल रहा था उसमें जो आने के बाद काफी ऐसे इम्प्रूवमेंट हुए थे जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि ऑडियो आउटपुट की आवाज़ जो ऑडियो का जो आपका आवाज़ थी स्पीकर से काफ़ी अच्छी बाहर आ रही थी जैसे कि काफ़ी अच्छी चीज़ बढ़ के आ रही थी। प्लस आपका बैटरी ट्रेनिंग सेम है वो तो सेम ही था, तो पता था आपको बताया मैंने जैसे कि सारे जो फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट है वो अच्छा काम कर रहा था इस वाले अपडेट आने के बाद। फिर इंटरनेट की कनेक्शन स्पीड थी वो भी आपको अच्छी आ रही थी। वहीं अगर लास्ट में बात करूँ फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट मोड इम्प्रूवमेंट अगर फ्रंट कैमरा आप पोर्ट्रेट मोड चलाते तो एजेस वगैरह थे काफ़ी आपके फेस डिटेक्टेशन के उसको काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। तो दोस्तों आप जानते हैं आपको बताता हूँ मैं इसमें अब जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है और आपको कब तक मिलेगा और क्या क्या खास हो सकते हैं उस अपडेट में क्या नाम से आएगा। तो दो वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। तो जो नेक्स्ट अपडेट आएगा दोस्तों साथ ही इस नाम से हो सकता है जैसे रेडमी नोट 5 MIU 10.0.060 ग्लोबल स्टेबल नाम से। क्यों दोस्तों अभी फिलहाल ये रोल आउट होने का भी चांस नहीं है क्योंकि दोस्तों कि आप जानते हैं कि MIUI की तरफ से आपको पता रखा 2 दिन की छुट्टी है ऑलरेडी डेवलपर्स की, तो उसके लिए पहले हफ्ते में जो आपका स्टेबल क्या और आपका बीटा दोनों ही पे फिलहाल तो कोई स्टेबल नहीं आएगा आपका अपडेट क्योंकि साफ साफ उसमें कंपनी तरफ सबको दिखा रखा नहीं जानते तो हमारे आई लिंक पर भी वीडियो बना रखी है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहीं क्योंकि दोस्तों जहाँ तक इसकी उम्मीद है कि आपको 15 से या 20 जनवरी तक में ही आपको अपडेट दोबारा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इसमें दोस्तों बहुत सारे जो चेंज लॉग्स वगैरह भी बहुत सारे आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतनी सी जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने जो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह दोस्तों हम लाते रहते देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। We'll be right back.